वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टिप्स और ट्रिक्स के अंतर्गत मैं आज आपको कुछ और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपने काम को ऑटोमेटिक या ऑटोमेट करा सकते हैं। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? मान लीजिए आपके काम का आपका मंथ या आपका पीरियड पूरा हो रहा है और नया पीरियड स्टार्ट होने को है, तो उस स्थिति में हमको अपना सारा काम, सारा डेटा अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दिन भी लग सकते हैं, और दिन नहीं, आप स्पीड से काम करते हैं तो घंटों तो लगेंगे लगेंगे। हम इस काम को मिनटों में किस प्रकार करेंगे, कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। जैसे कि फंक्शन के लिए पिवट टेबल और चार्ट के लिए हमने ऑटोमेटिक रेंज अपडेट करानी है, या फिर ड्रॉप डाउन के अंदर हमने कोई नया आइटम जोड़ना है वो किस प्रकार से हम ऑटोमेटिक जोड़ेंगे, या डेटा को हमने कंसोलिडेट कराना है वो भी सिंगल क्लिक से, डायनेमिक टेक्स्ट या लेबल क्रिएट करना है ताकि आप अपना काम 10x फास्टर कर सकें, ऑटो एडजस्टिंग एक्सेल रेंज। तो ये सारे टॉपिक्स हम जानेंगे इस वीडियो में अपने वर्क को ऑटोमेटिक कराने के लिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। चलिए सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक टेम्परेरी मंथली बजट रिपोर्ट तैयार करी है, और यहाँ पर जो भी मेरा डेटा है, जो मेरी ट्रांजेक्शन्स हैं, इस ट्रांजेक्शन में मैंने अपनी जितने भी मेरे लेन देन है, मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन है, इनको मैंने सब कैटेगरी में बांटा हुआ है। अब चूंकि कहीं पे डेटा में कोई गड़बड़ी ना हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन भी लगाया हुआ है। यहाँ पे हम कोई भी आइटम चुनते हैं तो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से चुन सकते हैं। मैंने सब जगह पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाया था। इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इनकी कैटेगरी ली हुई है, इस सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर मैंने वी लुकअप या एक्स लुकअप का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक्स लुकअप लगाया है, आप वी लुकअप भी लगा सकते हैं। मैं लगाना बताऊंगा अभी वी लुकअप किस प्रकार से हम लगाएंगे। और यहाँ से मैंने जो कैटेगरी टाइप है वो भी मैंने वी लुकअप फंक्शन से उठाई है। कहाँ से उठाई है? मैंने यहाँ से उठाया है सारा डेटा। अब आपको समय समय पर नई कैटेगरी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हमारा ये मंथ कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट मंथ में हमको एक नई कैटेगरी यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट की बजाय हमारे पास, मैं कोई टैक्सी यहाँ पे बुक कराता हूँ, इस बार ऊबर की नहीं, मेरे पास ऊबर सब कैटेगरी डली हुई है यहाँ पे, बट मैं यहाँ से ऊबर की बजाय ओला को सिलेक्ट कराना चाहूँगा इस बार। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ओला नाम की कोई सब कैटेगरी नहीं है। अब हमने इसको अपडेट करना है कि यहाँ पे एक ओला नाम की सब कैटेगरी भी आ जाए। तो अब देखो यहाँ से जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, ये हमारी कैटेगरी वाली सीट में से यहाँ से उठ के आ रही है ना। यहाँ पे हमारे पास सब कैटेगरी भी है और कैटेगरी टाइप भी हमने डाला हुआ है। तो यहाँ से जब सब कैटेगरी और कैटेगरी उठा रहा है, तो हमको इस जगह पे एक नई कैटेगरी जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी यहाँ पे कोई कैटेगरी जोड़ेंगे तो वहाँ पे हमारी ड्रॉप डाउन अपडेट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कराएंगे। तो एक बार नई सीट पर चलते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ सब कैटेगरी और कैटेगरीज है। हमने पूरे डेटा को टेबल में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल टी प्रेस अपने कीबोर्ड से, और इस डेटा में हमारे पास हेडर है और मैं इसको करा लेता हूँ ओके। और इस टेबल का कोई भी हम नाम डाल दें, मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ CAT टेबल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कैट टेबल यहाँ पे डाल दिया, एंटर प्रेस करा लेंगे। इसी प्रकार से हमने इनकी कैटेगरीज का, इनका भी नेम डिफाइन करा लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ इस पे, और इसको हम एक नाम दे देंगे। उसके लिए हम सीधा फॉर्मूला के अंदर जाएंगे, और फॉर्मूला में आपको मिलेगा डिफाइन नेम, और यहाँ से इसका एक नेम डिफाइन करा दूँ। मैं करा देता हूँ सब कैट लिस्ट, ठीक है। सब कैट लिस्ट के नाम से शॉर्ट में मैंने इसको डिफाइन करा दिया, देन ओके करा देंगे। इसी प्रकार आप इसका नाम डिफाइन करा सकते हैं और इसका भी नाम डिफाइन करा सकते हैं। अब वापस हम ट्रांजेक्शन वाली सीट पर चलते हैं, और यहाँ पर जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया था, ये सारा ड्रॉप डाउन सबसे पहले तो हमने इसको भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कराता हूँ कंट्रोल टी, और इसको भी हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेते हैं। कोई भी इसका एक नया फॉर्मेट हम यहाँ से चुन सकते हैं। आप इनमें से यदि कोई फॉर्मेट नहीं रखना चाह रहे, कोई बात नहीं, हम सिंपल नॉर्मल फॉर्मेट यहाँ पर रख लेते हैं। जो इसका मैंने पहले कलर किया हुआ था वही कलर रख लेंगे, और इसका भी एक नाम डाल दें। मैं यहाँ पर कराता हूँ TRA टेबल, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन टेबल के नाम से इसको भी सेव करा लिया। अब इस जगह पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है, तो इस पूरे एरिया को हम सेलेक्ट करा देंगे। इस कॉलम को सेलेक्ट कराने के बाद चले जाएंगे हम डेटा व्यू के अंदर, डेटा में जाएंगे हम डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे लिस्ट चुन करके इधर हम टाइप करा दें, मैंने क्या नाम दिया था उसका, सब कैट
लिस्ट, ये हमने नाम दिया, देन ओके करा देंगे। तो हमने वहाँ पे ये एक ही बार करना है काम, जब आप फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे कैटेगरी को टेबल फॉर्मेट में करा के और इनका नाम दे देना है। फिर बाद में जब भी आप यहाँ पे कोई भी आइटम बढ़ाएंगे, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे पास अभी से ओला का कोई आइटम नहीं आया होगा, बट इधर मैं एंट्री करना चाहूँ ओला के नाम की 31 तारीख की अलग से, तो नहीं आ रहा यहाँ पे नाम ओला का। अब मैं इधर जैसे ही कैटेगरी के अंदर एक नया नाम जोड़ता हूँ, मैं यहाँ पे ओला नाम जोड़ता हूँ, यहाँ पे इसकी कैटेगरी हम डाल दें ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का है, और एक्सपेंस है या इनकम है, तो ये एक्सपेंस ड्रॉप डाउन से चुन लिया। तो इधर जैसे ही हमने नई कैटेगरी ऐड करी है, और अब यहाँ पे हम नहीं जाके एंट्री करना चाहेंगे कि यहाँ से मैं डेबिट करा देता हूँ, और इधर से चुने हम इस बार ओला को, तो आप देखोगे यहाँ पे ओला नाम आ चुका है, और जैसे मैं चुनता हूँ तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और एक्सपेंसेस ऑटोमेटिक उठा रहा है। अब इन दोनों जगह पे मैंने वीलुकअप फॉर्मूला लगाया है, आप देख सकते हैं वीलुकअप पे मैंने उठाया कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो कैटेगरी वाली सीट है उसमें से हमने सब कैटेगरी को लिया है लुकअप वैल्यू, और टेबल एरे हमने कैटेगरी सीट को लिया, और कौन सा कॉलम वो चुन के हम यहाँ से वीलुकअप आराम से लगा सकते हैं, दोनों जगह आप वीलुकअप लगा लेंगे। अब देखिए हमारे पास एक डेटा रखा है किसी एक फोल्डर के अंदर, बहुत सारी अलग अलग मंथ्स की हमने फाइल क्रिएट की है, वो फाइलें आपके पास CSV फाइल हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, और उनको हमने अब कॉनकैट कराना है, और सिंगल क्लिक से, यानी कि कॉनकैट का मतलब हमने उनको कॉन्सोलिडेट कराना है, डेटा हमको इकट्ठा एक सीट के अंदर चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास देखो डेटा नाम का फोल्डर है, और यहाँ पे मेरे पास 4 महीने का अलग अलग डेटा रखा हुआ है। तो इन सभी को हम किस प्रकार से कॉन्सोलिडेट कराएंगे, हमने एक एक फाइल को ओपन कराना है, ओपन कराएंगे तो इसमें देखेंगे बहुत बहुत सारा डेटा है, सारे डेटा को हम कॉपी कराएंगे, और जिस फाइल के अंदर हमने रखना है वहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट करते रहेंगे। ये सिर्फ हमारे पास 4 महीने का डेटा है, 12 महीने का डेटा होगा तो भी हमारे पास ये काफ़ी समय ले लेगा। तो सिंपली हमने किस प्रकार कराना है, यहाँ से मैं इसको तो करा देता हूँ क्लोज, हम इधर डेटा मेन्यू में जाएंगे, और डेटा मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा गेट डेटा, गेट डेटा के अंदर हम करेंगे यहाँ से फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल के अंदर आपको मिलेगा फ्रॉम फोल्डर, हम यहाँ से क्लिक कराएंगे फ्रॉम फोल्डर पे, कौन से फोल्डर में आपके पास डेटा है वो डाउनलोड्स के अंदर डेटा वाले फोल्डर के अंदर है, ओके। आप देखोगे जैसे हमने उस फोल्डर को ओपन किया है तो वहाँ पे जितनी भी फाइलें होंगी वो सारी फाइलें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। अब हमने इनके साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो आप नीचे देखोगे इधर आपको मिलेगा यहाँ पे कंबाइन एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, कंबाइन एंड लोड, कंबाइन एंड लोड टू, जहाँ भी हमने करना है हम इसमें सेलेक्ट कराएंगे कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक, तो थोड़ा सा प्रोसेस में कुछ सेकंड लेगा और आपके पास यहाँ पे नज़र आ जाएगा सभी के अंदर डेटा आपका सीट नंबर 1 पे रखा हुआ है। हम यहाँ से चुन लेंगे सीट नंबर 1, जैसे हमने सीट चुना है सारा डेटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से हमको कोई और फील्ड चाहिए या नहीं चाहिए, हम नई फील्ड जोड़ सकते हैं, या फिर किसी फील्ड को हमने हटाना है वो हटा सकते हैं, बट यहाँ से फिलहाल मैं इसको सिंपली ओके करा रहा हूँ। तो ये सारी की सारी फाइलें हमारे पास यहाँ पे जुड़ के आ चुकी हैं, यहाँ पे अप्रैल का डेटा आ रहा है आपको नज़र, हम देखेंगे चल के तो आगे हमारे पास देखो फरवरी का भी आ गया, और नीचे चल के देखेंगे तो कंप्लीट सभी जितनी भी फाइलें थी सभी का डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। हमने किसी कॉलम को नहीं रखना है, नहीं लेना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आईडी को हटाना चाहें आईडी को हटा सकते हैं, हमको टोटल सेल देखनी है, देखो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी भी है ऑर्डर की और प्राइस भी है, यदि हमने इन दोनों का टोटल करा के एक कॉलम और लेना है तब हम यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करा लेंगे। सेलेक्ट कराने के बाद हमने क्या परफॉर्म करना है, दोनों का टोटल करना है यानी कि मल्टीप्लाई करानी है और एक नया कॉलम ऐड कराना है, तब उसके लिए हम यहाँ पे चले जाएंगे ऊपर ऐड कॉलम्स के ऊपर, ऐड कॉलम्स में आपको मिलेगा यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड के अंदर हमने क्या कराना है ऐड मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट डिवाइड, मल्टीप्लाई पे क्लिक करा देंगे, जैसे क्लिक कराएंगे देखो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का एक कॉलम यहाँ पे जुड़ गया, यानी कि टोटल सेल हमारे पास आ चुकी है क्वांटिटी प्लस उसका प्राइस, इसको हम उठा करके इसके साथ में हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे हम इसको ड्रॉप करा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉलम आ जाएगा, तो जहाँ भी हम ऐड करना चाहें यहीं पे हम ऐड और रिमूव की सारी परफॉर्मेंस आसानी से कर सकते हैं। इधर सोर्स के अंदर देखोगे हमारे पास डेटा कहाँ कहाँ से आ रहा है, हमारे पास डेटा इन 4 फाइलों से आ रहा है ना, ये सोर्स हमको नहीं चाहिए, यहाँ से इस सोर्स को इस कॉलम को डिलीट करना है, यहाँ कॉलम को डायरेक्ट हम डिलीट करा सकते हैं,
ये कॉलम हमने रखने, बस हम उसका नाम और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या फिर बाद में आप अपनी एक्सेल सीट में जाके वहाँ भी नाम चेंज करा सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का नाम है, इसकी जगह मैं यहाँ पे यूज़ करा देता हूँ सेल अमाउंट, क्लियर। और अब इस डेटा को हम सीधा होम में जाएंगे, होम के अंदर से कर देंगे क्लोज एंड लोड, और क्लोज एंड लोड डेटा कंप्लीट। पूरा डेटा अब यहाँ पे हमारा देखो कंसोलिडेट हो चुका है, सारा इकट्ठा हो चुका है डेटा, पूरा अप्रैल का, फरवरी का, मार्च का। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, देखो चारों मंथ का, क्योंकि चार ही मंथ थे ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सभी मंथ का डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। किसी एक मंथ को देखना चाहें एक मंथ को देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस डेटा के ऊपर हम परफॉर्म कराते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चार्ट बनाते हैं, पीवी टेबल बनाते हैं, और वो सारा डेटा भी हमारा सेल्फ अपडेट डेटा बन जाए, सेल्फ अपडेट चार्ट बन जाए। तो उसके लिए हम पीवी टेबल इंसर्ट करा लेंगे। हम करते हैं सीधा इंसर्ट में जाकर के पीवी टेबल पे क्लिक, और एक नई फाइल के अंदर हम पीवी टेबल को इंसर्ट करा लेंगे। पीवी टेबल आ गई, यहाँ से हमने कौन कौन सी फील्ड लेनी है वो फील्ड अपनी चुन सकते हैं। हमारे पास ऑर्डर डेट है, हमने ऑर्डर डेट को यहाँ पे उठा के रख लिया। दूसरा हमने अमाउंट लेनी है, टोटल सेल्स अमाउंट हमारे पास, हमने ये बनाया था, सेल्स अमाउंट को वैल्यू फील्ड में रखा लेंगे। और ये सेल्स अमाउंट हमको प्रत्येक सिप मोड के अकॉर्डिंग चाहिए, तो सिप मोड को कॉलम फील्ड के अंदर छोड़ देते हैं। तो हमारे पास चार सिप मोड है, बल्कि तीन ही सिप मोड है, तीनों सिप मोड के अकॉर्डिंग टोटल सेल हमारी यहाँ पे आ चुकी है। इसके ऊपर हम चार्ट इंसर्ट कराते हैं, कोई भी हम एक चार्ट ले लेते हैं। आप कॉलम चार्ट लेना चाहें, लाइन चार्ट लेना चाह रहे हैं, या बार चार्ट लेना चाह रहे हैं, जो सूटेबल चार्ट हो। यहाँ पे मैं एक लाइन चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी एक लाइन चार्ट इंसर्ट कराता हूँ और यहाँ पे प्लेस करा देता हूँ। तो इस चार्ट को आप मॉडिफाई करा सकते हैं, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना चाहें और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। हम यहाँ से इनके जो लीजेंड्स हैं, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, डिलीट करा देते हैं, इसको डिलीट करा देते हैं। चार्ट हमारा थोड़ा सा देखो और भी खुला खुला अच्छा नज़र आ रहा है। अब पूरी तरह से चेक कराने के लिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो सेल्फ अपडेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक फॉर्मूला और यहाँ पे यूज़ करा लेते हैं। मैंने यहाँ पे कहीं भी चेक कराना है टोटल सेल, टोटल सेल के लिए हम यूज़ करते हैं सम फॉर्मूला। हमने किसका सम कराना है, जो हमारे पास टोटल सेल है, जो डेटा टू के अंदर यहाँ पे आई है अमाउंट ऑफ सेल, इसका हम टोटल करा लेते हैं, ठीक है, और एंटर प्रेस करा लेंगे, क्लियर। दूसरा तरीका, यदि हम इस प्रकार से नहीं करना चाहें, तो हमारे पास वो टेबल है, उसका नाम ऑलरेडी है, जैसे कि यहाँ पे मैं कराना चाहूँ टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी या टोटल यूनिट्स हमारे पास कितनी है, हम करते हैं इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सी सीट के अंदर है, वो सीट है हमारी डेटा टू के नाम की, और इसके अंदर जो कॉलम हमने बनाया हुआ है वो कॉलम है ऑर्डर क्वांटिटी, ये वाला कॉलम है। हम इस प्रकार से डायरेक्ट यूज करा सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, तो देखो हमारे पास टोटल ऑर्डर क्वांटिटी भी आ चुकी है। अब एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को कॉपी करा के और यहाँ पे टेम्परेरी पेस्ट करा लेता हूँ, पेस्ट स्पेशल सिर्फ वैल्यू, इसलिए कि हम ये देखना चाहें कि जो हमारा डेटा है फुल्ली ऑटो अपडेट होता है कि नहीं होता है। अब ये तो हमारे पास वैल्यू पेस्ट हो गई, ये वैल्यू नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूले हैं। अब हम यहाँ पे अपडेट कराते हैं सबसे पहले अपनी मेन फाइल को, जहाँ पे हमने कंसोलिडेट किया था डेटा को। इसके लिए मान लीजिए हमारे पास एक फाइल और यहाँ पे बढ़ जाती है, अभी मार्च तक की हमारे पास डेटा है, मैं इसी को कॉपी कराता हूँ कंट्रोल सी और पेस्ट करा देता हूँ, और इसको मैं डाल देता हूँ मार्च के बाद अप्रैल भी है मेरे पास, मई का, यहाँ पर मैं मई डेटा डाल देता हूँ, ठीक है, MAY मेक 2024 का ये मैंने यहाँ पर डेटा बना लिया। इसका पूरा मंथ मैं चेंज करा देता हूँ, तो मैंने इसका डेटा अपडेट करा लिया। अब ये डेटा भी हमारा इस कंसोलिडेट के अंदर जुड़ना चाहिए यहाँ पे इस जगह पे, तो क्या जुड़ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ हमारे पास ऑर्डर डेट, हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का डेटा है, क्लियर। और सिंगल क्लिक से हम चले जाएंगे वापस से क्वेरी के अंदर, क्वेरी में आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो रिफ्रेश, हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश क्लिक करा देंगे, क्लिक, और देखो अब जा कर के हम वापस से चेक कराते हैं, तो हमारे पास अब देखो यहाँ पे मई का डेटा भी जुड़ चुका है। हम जाके देखेंगे हमारे पास मई का डेटा भी यहाँ पे आ चुका है अप्रैल के बाद, चलो यहाँ पे नहीं देखे, काफ़ी सारा डेटा हो गया है। वापस से अपनी रिपोर्ट पे चलते हैं जहाँ पे हमने रिपोर्ट तैयार की है, आप देख सकते हो यहाँ पे रिपोर्ट हमारी फुल्ली अपडेटेड है, चार्ट भी अपडेटेड है। यदि नहीं होता है तो हम पीवी टेबल पे कहीं भी रह सकते हैं। उसके बाद हम डेटा के अंदर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे रिफ्रेश,
तो यहाँ पे हमारी पीवी टेबल भी कंप्लीट रिफ्रेश हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी रिफ्रेश हो चुकी है, पूरा डेटा हमारा अपडेट हो चुका है। देखो नया टोटल हमारे पास, ये पुराना टोटल हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक रेंज को थोड़ा सा डायनेमिक बनाने की कोशिश करी है, जिसके अंदर मैंने स्लाइसर लगाई है ताकि हम यहाँ से आसानी से किसी भी सब कैटेगरी को फिल्टर करा सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर एक चार्ट इंसर्ट कराना है, तो सिंपली हम डेटा को सिलेक्ट करा लेते हैं। सेलेक्ट कराने के बाद हम चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर और मैं यहाँ से एक चार्ट इंसर्ट कराऊँ, मैं ट्री मैप चार्ट यहाँ पर इंसर्ट कराता हूँ। देन देखो ये चार्ट यहाँ पर इंसर्ट नहीं होता है इस डेटा के ऊपर। ये कह रहा है कि आप जो इस पीवी टेबल के अंदर जो डेटा है उसके ऊपर आप ये चार्ट इंसर्ट नहीं कर सकते और हमको ये चार्ट यहाँ पे इंसर्ट कराना है। तो किस प्रकार से कराएंगे, यदि हमारे पास ये पीवी टेबल ना हो, एक रेंज हो, तो रेंज के ऊपर हम वो चार्ट ले सकते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ से ये कंप्लीट कॉपी कराता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर खाली जगह पर करा देता हूँ, इसको पेस्ट स्पेशल और वैल्यू पेस्ट करा देता हूँ। क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल रेंज आ गई। इस रेंज के ऊपर मैं ट्री मैप चार्ट लेना चाहूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से इंसर्ट कराता हूँ एक ट्री मैप चार्ट को यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ट्री मैप चार्ट हमारा अच्छे से इंसर्ट हो गया। यहाँ से हम बाकी चीज़ें यहाँ से डिलीट करा देते, टाइटल वगैरह, देखो ट्री मैप चार्ट आ गया। क्लियर, बट यहाँ से अब मैं किसी भी रेंज को देखो यहाँ पे फिल्टर कराऊँ तब ये चार्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये चार्ट सिंपल रेंज पर इंसर्ट हो रहा है और जबकि जो स्लाइसर है वो हमारा पीवी टेबल पर या फिर टेबल फॉर्मेट के ऊपर लगता है। अब टेबल फॉर्मेट हम इसको बना नहीं सकते, हमने तो टेबल में से डेटा उठाया है, पीवी टेबल हमारे पास है, तो यहाँ पे हमको ट्री मैप चार्ट लेना है। तब हम इस रेंज को जो हमने सिंपल रेंज ली है इसको नेम्ड रेंज किस प्रकार से बनाएंगे। नेम्ड रेंज बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको चार्ट का डेटा दिखाता हूँ। हम सिलेक्ट डेटा के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आप देखोगे डेटा के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर रेंज आ रही है। अब यहाँ पर हम इस डेटा को चेक कराएँ, एडिट कराता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये कह रहा है नेम्ड रेंज H3 नेम रेंज दिखा रहा है और इसके अंदर नेम रेंज दिखा रहा है हमारा H4 से H19, ये वाली रेंज दिखा रहा है। इसी प्रकार से यदि हम इसके अंदर देखना चाहें, इसमें हम एडिट करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर भी हमारी प्रत्येक की नेम रेंज बन रही है कि कहाँ से डेटा उठ के आ रहा है। हमको एक वो डायनेमिक रेंज अपनी क्रिएट करानी है कि डेटा हमने कहाँ से उठा के लेके आना है। तो उसके लिए देखो मैं सिंपल सा एक फंक्शन आता है हमारे पास ऑफसेट फंक्शन, इसको मैं क्लोज कराता हूँ, चार्ट को भी साइड कराता हूँ, क्योंकि हम डेटा को ऑटोमेट करा रहे हैं ना, तो उसके लिए हमको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसको भी स्लाइसर को भी थोड़ा सा साइड करा देता हूँ और फिल्टर क्लियर करा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट फंक्शन के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है रेफरेंस, कहाँ से रेफरेंस हमारा हो जाएगा, ये जो हमारे पास लेबल है इस लेबल से कितना नीचे या कितना डाउन। तो हम सिंपल इसको रेफरेंस के अंदर इसको रोज़ और कॉलम बता देंगे, बट यहाँ पे रोज़ कॉलम काम नहीं करेगा क्योंकि हमको तो जहाँ तक पीवी टेबल है वहाँ तक चाहिए। देन हम इसकी बजाय ये सेल उठाएंगे, इसको करा देंगे फिक्स, कोमा, रोज़ को हमने खाली छोड़ देना है, कॉलम्स को भी खाली छोड़ देना, हमने इसकी हाइट देनी है, टोटल हाइट चाहिए हमको, हमको रोज़ या कॉलम से मतलब नहीं है यहाँ पे, हमको टोटल कितनी हाइट है वहाँ तक का डेटा चाहिए। जैसे हम स्लाइसर से इसको फिल्टर कराएंगे तो हाइट कम ज़्यादा होगी, तब उसको ये काउंट करा ले। हम करेंगे काउंटा फंक्शन का यूज़ और काउंटा के अंदर हम यहाँ पे इसकी पूरी रेंज डाल देंगे, ये हमारी है सी से, ये कम्प्लीट ही होगी हमारी A4 से A49, फिक्स करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज काउंटा की, ब्रैकेट क्लोज ऑफसेट की, हमको विड्थ की अभी ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ इसकी हाइट लेनी है, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो हमारे पास पूरा डेटा यहाँ पे उठ के आ गया। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से करा लेता हूँ कॉपी कंट्रोल सी और वापस से जाएंगे हम फॉर्मूला के अंदर डिफाइन नेम और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं फॉर्मूले का ट्री एक्सिस और यहाँ पे हम वो फॉर्मूला पेस्ट करा देंगे। ठीक है, नेम रेंज की जगह हमने नेम रेंज क्या कर दिया, वो फॉर्मूला बना दिया और ओके कर देंगे। ध्यान रहे ट्री एक्सिस हमने यहाँ पे नाम दे दिया। दूसरा हमको ये वाली रेंज भी चाहिए, देन इसी फॉर्मूले के अंदर हमने जो लिया था ए वाला, इस बार दे देंगे हम इसको खाली बी और एंटर प्रेस करा देंगे, ये आ गया। इसको भी हम कॉपी करा लेते हैं कंट्रोल सी और इसी प्रकार से इसका भी नेम डिफाइन कर देते हैं। मैं इसका नेम करता हूँ ट्री वैल्यू और इसके अंदर नेम रेंज के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला पेस्ट करा देंगे कंट्रोल वी। ओके,
अब हम इसको यहाँ से बेशक से डिलीट करा सकते हैं, इनको भी हम डिलीट करा सकते हैं, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये चार्ट हमारा यहाँ से गायब हो चुका है ना, जैसे हमने वहाँ से डिलीट कराया डेटा, चार्ट हमारा गायब। क्या करें, हमने रेंज चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि रेंज हट गई ना यहाँ से। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेटा, और डेटा के अंदर इस जगह पे हमने यहाँ पे डेटा कौन सा लेना है, एडिट में जाएंगे और जो नेम रेंज है हमारी, ये नेम रेंज नहीं, ये वाली नेम रेंज, इसकी जगह पे तो हमने किस नाम से बनाया था, हमने बनाया था ट्री वैल्यू के नाम से ना। ये हमने कंप्लीट डिलीट कर दिया, यहाँ से हमारा वापस वो तो रहेगा यहाँ पे नेम रेंज, ये हमने डिलीट कर दिया था, वापस से यहाँ पे डाल देंगे हम। नहीं पता स्पेलिंग का, क्या पता स्पेलिंग नहीं आती ना, तो हम यहाँ पे F3 प्रेस करा लेंगे, या फिर नाम का पता है तो हम यहाँ पे ट्री वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे और ओके करा देंगे। दूसरे तरफ इधर चलते हैं, यहाँ पे एडिट कराते हैं। इधर हमारे पास ये वाली रेंज है जिसका नाम हमने क्या दिया था, हमने शायद इसका नाम दिया था ट्री एक्सिस, है ना। तो इधर करता हूँ मैं ट्री एक्सिस और ओके करा देता हूँ। ठीक है, दोनों जगह हमारी रेंज आ गई, ओके करा देंगे। बस देखो चार्ट हमारा यहाँ पे रेडी है। अब इधर मैं यहाँ पे स्लाइसर का यूज़ कराता हूँ, जो भी कैटेगरी हम यहाँ पे अब सेलेक्ट कराएंगे, तो देखो अब हमारा चार्ट यहाँ पे स्मूथली रन करा रहा है। अब इधर देखिए, मैंने एक चार्ट इंसर्ट किया है एक डायनेमिक रेंज के ऊपर, और हमने इसका लेबल डाला है यहाँ पे अगस्त वेरियंस डेट। ये कह रहा है अगस्त तक की हमारे पास डेट है, जो एक्चुअल हमारे पास डेट है वो, ठीक है ना, एक्चुअल डेटा हमारा अगस्त तक का है। इसके बाद तो हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेटिव डेटा है या फिर हमारे पास वेरिएंस डेटा है, जो कि माइनस में भी है प्लस में भी है। तो चार्ट तो हमारा ये पूरा यहाँ पे क्लियर होगा, बट जो एक्चुअल हमारा डेटा है वो हमारा अगस्त तक का है। तो अगस्त तक का डेटा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा लेबल आ रहा है। अब इसको लेबल को यदि हम बढ़ाना चाहें, सेप्टेम्बर का डालेंगे तो मैनुअल डालेंगे, बट इसको हम डायनेमिक बनाएंगे, और डायनेमिक बनाने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मूला बार के अंदर मैंने यहाँ पे लगाया है फॉर्मूला, जिसके अंदर मैंने सिर्फ इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला यूज़ किया है कि इंडेक्स के अंदर हमको क्या चाहिए। मैं यहाँ से कराता हूँ F2, तो पूरा फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंडेक्स में हमको यहाँ पर चाहिए एक तो मंथ, हमने जैसे अगस्त सेप्टेम्बर नवंबर है ना, दूसरा हमको चाहिए यहाँ पर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हमने मैनुअल यहाँ पर लिखा है, कॉन्केट कराए यहाँ पे। एक हमको चाहिए यहाँ पे ये वाली रेंज, तो एक इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इंडेक्स में हम ये लेंगे और मैच हम इसी से करवा रहे हैं, इस रेंज के अंदर हमारा पहला इंडेक्स मैच का हो गया, कॉन्केट करा दिया हमने इस टेक्स्ट को, और फिर से दूसरा इंडेक्स मैच का हमने इसका लगा दिया। तो सिंपल हमारे पास एक लेबल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। अब इस लेबल के ऊपर हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास नॉर्मल लेबल है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, और इक्वल साइन के साथ हम ये सेल दे के एंटर प्रेस करा देंगे, तो ये डायनेमिक लेबल यहाँ से उठा लेगा। इसके बाद हम इसको बेशक से हाइड करा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इधर हम डेटा और बढ़ाते हैं, यदि मैं सितंबर का डेटा डालता हूँ और सितंबर का मैं कराता हूँ 10, एंटर प्रेस कराएंगे, तो देखो यहाँ पे सितंबर का जो हमारा कम्युनिकेटिव है वो 19 है ना। इधर क्या दिखा रहा है, सितंबर वेरियंस टू डेट $19। ऐसा यदि हम और बढ़ाना चाहें, मैं यहाँ पर अक्टूबर का बढ़ाता हूँ, देन अक्टूबर का यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से एक छोटा सा इंडेक्स मैच का फॉर्मूला यूज़ करके अपने चार्ट के लेबल को डायनेमिक बना सकते हैं, और हम अपने पूरे डेटा को ऑटोमेटिकली सेल्फ अपडेटिंग बना सकते हैं बिना कोई ज़्यादा मेहनत करे। अब जब भी हमने इसमें कोई अपडेट कराना होगा डेटा में, कुछ हमने इंक्रीमेंट कराना है, कुछ चेंज कराना है, तो बाकी सारा डेटा अब हमारा स्मूथली रन करेगा, हमको कहीं भी कुछ ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।